हेलो दोस्तों, लॉजिकल ऑपरेटर का लास्ट जो ये लॉजिकल नॉट है, इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बारे में एक चीज़ जान लीजिए कि ये क्या करता है। ट्रू को फॉल्स बनाता है और फॉल्स को ट्रू बनाता है। ठीक है, और इसके लिए सिंगल ऑपरेंड ही काफ़ी है, और इसको अनरे ऑपरेटर में भी रखा जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ऑपरेंड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग फिलहाल हटाते हैं और इसका ट्रूथ टेबल हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ट्रूथ टेबल इसका ये है, देख लीजिए। अगर ऑपरेंड आपका फॉल्स है तो रिजल्ट आपका ट्रू आएगा, और ऑपरेंड अगर ट्रू है तो रिजल्ट आपका फॉल्स आएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, इस अभी समझने में शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा हो, लेकिन अभी हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे तो ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी क्या मेरा कहने का मतलब है। ठीक है, एक चीज़ जान लीजिए कि क्या है नॉट। ठीक है, ये क्या है नॉट, यानी कि अगर मैं कह रहा हूँ कि यह गलत नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि यह सही होगा। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि यह सही नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि यह फॉल्स होगा। तो भाई बस यही है इस ट्रूथ टेबल का मीनिंग। ओके, तो चलिए इसे कोड में हम लोग देखते हैं। इसका ये सिंपल सा कोड है, कोड यहाँ तक आप लोगों को पता है। ठीक है, यहाँ से मैं समझा देता हूँ। इंट, ये इंट डाटा टाइप है, रिजल्ट एक वेरिएबल मैंने माना हुआ। ये सिंपल सा प्रिंट एफ का फंक्शन है जो इसको प्रिंट करेगा स्क्रीन पर, यूज़र के स्क्रीन पर। और ये एक छोटा सा फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, इस पर ये एक्सक्लेमेशन मार्क दिया मैंने। ये एक्चुअली मैं लॉजिकल नॉट है फिलहाल अभी, इस पर मैंने लिखा हुआ कि 5 इज ग्रेटर देन, 5 ग्रेटर देन 2। ये क्या है, ये फॉल्स है, सॉरी ये ट्रू है। 5 ग्रेटर देन 2 ये ट्रू है, लेकिन यहाँ मैंने लॉजिकल नॉट का साइन भी लिखा, यानी कि ट्रू, यह ट्रू नहीं है। मेरा ये पूरा स्टेटमेंट का पूरा जो ये लिखा हुआ है, इसका कहने का मतलब यही है, यह ट्रू नहीं है। यह ट्रू है लेकिन मैंने जस्ट बिकॉज यहाँ ये मार्क्स, ये लॉजिकल नॉट लगा दिया, इसीलिए क्या हो जा रहा है पूरा स्टेटमेंट, यह ट्रू नहीं है। इसका रिजल्ट क्या आएगा, यह फॉल्स है यानी कि 0। चलिए इसको रन करके देखते हैं। देखिए इसका क्या रिजल्ट इज 0 आ रहा है, यानी कि फॉल्स। ठीक है, अभी हम लोग इसके ये जो साइन है इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। अभी ये क्या हो गया कि 5 इज लेस देन 2 जो कि फॉल्स है। 5 इज लेस देन 2 तो नहीं होता। ठीक है, ये फॉल्स है, लेकिन यहाँ चूंकि मैंने ये लॉजिकल नोट लगाया हुआ है, इसके पूरा स्टेटमेंट का मीनिंग अब क्या हो गया कि यह फॉल्स नहीं, मतलब क्या, यह ट्रू है। इसलिए इसको रन करके हम लोग देखते हैं। देखिए इसका रिजल्ट क्या आया, द रिजल्ट इज 1। इसका मतलब क्या हुआ कि यह ट्रू है। ठीक है, चलिए यही है कि ये ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू बनाता है। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर हमारा समाप्त हो चुका है। हम आगे एक ऑपरेटर्स को आगे की वीडियोज़ में पढ़ेंगे। ठीक है, और हाँ, कोड्स आप लोग, ये जो कोड्स से अगर आप लोग पॉज करके लिखने में अगर कोई तकलीफ हो रही है तो कोड्स का डिस्क्रिप्शन में मैंने सोचा है कि डिस्क्रिप्शन में मैं ये जो कोड्स है ये आप मेरी वेबसाइट geekysource.com यहाँ जो दिख रहा है वहाँ से कोड आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कोड और उसका लिंक पुट कर दूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।